नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। ये वीडियो आज के लिए बहुत ही छोटी सी डेडिकेटेड, इस दिन का जो महत्व है उसके लिए बस 5 मिनट में आप लोगों के ले रहा हूँ, क्योंकि बिना कंसेप्ट या कंटेंट वाली क्लास देना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आज ऐसा दिवस है कि हमें ये छोटी सी क्लास लेके आनी पड़ी। आशा है कि आप इससे नाराज़ नहीं होंगे और थोड़े से दिल खोल के इस वीडियो को देखेंगे। आज शिक्षक दिवस है तो आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, क्योंकि हम इस समुदाय से आते हैं, विद्यार्थी शिक्षण से, इन सब चीज़ों से हम लोग लिप्त हैं, तो ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा उत्सव है, हमारा एक बहुत बड़ा त्यौहार के रूप में इसको माना जाता है। क्योंकि सुबह से आप सभी लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए, अभी भूत कर देते हैं, अपनी औकात अपने को बड़ी बड़ी सी फील होती है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें चीज़ों को समझना होता है कि इस दिन, ये दिन होता है हर उस व्यक्ति को याद कर लेने का, हर उस बच्चे को याद कर लेने का, हर उस बुजुर्ग को याद कर लेने का, हर उस माँ को याद कर लेने का जिसने जीवन में हमको कहीं ना कहीं सही रास्ते पर जाने के लिए सिखाया। और असली शिक्षक वाकई में वो होता है जो किसी से भी सीखने की प्रेरणा लेने के लिए तैयार हो, जिसमें पेशेंस हो, जिसमें गुरूर ना हो कि मुझे कौन ये सिखाएगा मुझे, है ना, बिकॉज मैं तो इसका जीता जागता उदाहरण हूँ, मेरे से ज़्यादा गलती तो कोई करता नहीं होगा, मैं ये सोचता हूँ। और दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को स्टूडेंट कहते हैं मेरा, वो मुझसे, उसमें बहुत बड़ा समुदाय है जो मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा, मुझसे कहीं ज़्यादा प्रतिष्ठित, मुझसे कहीं ज़्यादा मजबूत है चीज़ों में, है ना, बुद्धि से लेकर हर चीज़ में, इसके बावजूद वो मुझे शिक्षक मानता है। इससे बड़ा तो बड़प्पन क्या होगा, ये बड़प्पन बना के रखना है, तभी हम लोग वास्तव में एक शिक्षक बन पाएंगे। ये उनका बड़प्पन है जो बहुत से लोग मुझसे पद में, गरिमा में बहुत ऊँचे हैं, फिर भी मुझे बोलते कि नहीं आपसे कुछ सीखा है, ये चीज़ें हैं, है ना। जब किसी के बारे में भी, हर किसी से भी सीख सकते, टीचर सिर्फ ऑफिस में या कॉलेजेस में नहीं होते, सबको पता है, कोई भारी भरकम श्लोक सुना के मैं आप लोगों को ऐसा सच कॉपी वाला ज्ञान नहीं दूंगा, हाँ, लेकिन किसी के बारे में सोच के यार कि हाँ यार बंदा सही था, वो बहुत सही आदमी थे, बहुत सही टीचर थे, समझ लीजिए वाकई में उस टीचर के लिए यही अनुभूति बहुत है। तो ऐसी अनुभूति कराते रहिए, ऐसी अनुभूति करते रहिए, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा जीवन में आप जरूर 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 सक्सेस को प्राप्त करें, अपने साथ धीरज को, अपने साथ पेशेंस को इम्प्रूव करें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। हमें किसी से भी अपने को ज्ञान अर्जित करने में खोजना होगा कि जिससे ज्ञान मिले लूट लो, वो नेचर होना चाहिए, है ना, कभी एरोगेंस नहीं रखना। यही इस टीचर्स डे की छोटी सी हम कह सकते हैं कि ज्ञान की बातें हैं, बहुत बोरिंग सी, बहुत नेचुरल, बहुत ही ऐसी चीज़ जो बिल्कुल आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी करनी आवश्यक होती है, बिकॉज बहुत बेसिक काम करके ही बहुत बड़ा बना जा सकता है, है ना। बहुत बड़े बनने के लिए, बहुत बड़े व्यक्तित्व का बनने के लिए बहुत अलग से काम नहीं करते, बहुत ही बेसिक आधारभूत काम, क्योंकि बेसिक काम करना सबसे कठिन होता है, ठीक है ना। आज भी हम लोग खुशनसीब हैं कि उस तबके से आते हैं कि आज भी शिक्षक की जॉब को नौकरी नहीं बोला जाता है, उसे अभी भी टीचर बोला जाता है। बाकी आप चीज़ें कहेंगे लोग नौकरी की बात करते हैं, लेकिन टीचर होना एक टीचर है ना, वो नौकरी से कहीं इतर है। तो इस भावना को बनाए रहिएगा, उम्मीद करता हूँ आप हमारा साथ ऐसे चलता रहेगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद, और ये ललक सीखने की लगातार बनाए रखिएगा, किसी से, गली में राह चलते मोहल्ले से, किसी बच्चे से, या अपने माँ से, पिता से, परिवार से, या अपने शिक्षकों से, सभी में किसी न किसी प्रकार का एक शिक्षक है और किसी न किसी प्रकार का एक विद्यार्थी है। थैंक यू सो मच।